दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा फेसबुक अकाउंट से रिलेटेड है, तो अगर आप एक फेसबुक यूज़र हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कभी भी अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है तो दोस्तों आप क्या करेंगे उस समय आप अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए। इसमें मैं आपको 2 से 3 प्रोसेस बताऊँगा, यानी 2 से 3 स्टेप बताऊँगा, अगर उसे आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपका अकाउंट रिकवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप सभी का स्वागत करता हूं AK ऑनलाइन सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि इस चैनल पर जैसे मैं कोई नया टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूँगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुँच सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो कैसे आप उसे रिकवर करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस दोस्तों, जब भी आपका मान लीजिए फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर आपको लगता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, तो उसे आप सबसे पहले पासवर्ड फॉरगेट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद दोस्तों गूगल सर्च में आपको जाना होगा और टाइप करना होगा फेसबुक पासवर्ड फॉरगेट। फेसबुक पासवर्ड फॉरगेट सर्च करने पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब फर्स्ट में जो ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका फेसबुक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, या फिर नीचे सर्च बाय योर ईमेल एड्रेस और नेम, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप सर्च करेंगे कि आपका जो ईमेल आईडी है वो लिख सकते हैं या फिर फुल नेम। तो मान लीजिए मेरा नाम है सुभाष कुमार, तो मैं अपना नाम यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइप किया सुभाष कुमार। अब इसे जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारा यहाँ पे बहुत सारा प्रोफाइल आ गया, आप देख सकते हैं। तो जो भी आपका प्रोफाइल होगा उसे आप यहाँ से देख लीजिएगा और उसके बाद उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं सेंड कोड वाया ईमेल। आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, आप जो है अपना कोड सेंड कर सकते हैं ईमेल पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो ईमेल दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा कि आपका ईमेल है या नहीं, तो इसके लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर दोस्तों आप नेक्स्ट करते हैं तो आपका जो ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए आपके ईमेल पर ओटीपी आता है तो वो ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा तो आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसी पासवर्ड से आप अपना फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कोई और ईमेल आईडी है और वो ईमेल आईडी आपका नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी फ्रेंड का सहायता लेंगे, आप अपने फ्रेंड का फेसबुक को लॉगिन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे दोस्तों आप फेसबुक लॉगिन करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे और उसके बाद आपका जो अकाउंट होगा उसे सर्च करना होगा। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ सुभाष कुमार, तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट अवेलेबल है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आ गया है और मेरा ही अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर मैं कोई भी एक फ्रेंड को लेता हूँ, मान लीजिए वो अकाउंट हमारा है, तो उस समय हम कैसे जो है उससे रिकवर करवा सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा अकाउंट है, तो मैं दूसरे जो फ्रेंड का प्रोफाइल होगा उसमें जा करके मैं सर्च करूँगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका प्रोफाइल जैसे आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो 3 डॉट आप देख सकते हैं नीचे, इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट प्रोफाइल। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सपोर्ट और रिपोर्ट पर। जब आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रॉब्लम टू कंटिन्यू। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा आई वांट टू हेल्प लिखिएगा, या फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आई कैन नॉट एक्सेस माय अकाउंट, तो आई कैन नॉट एक्सेस माय अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिकवर दिस अकाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों आपको डन कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट पर जाएंगे और आई वांट टू हेल्प पर आपको जाना होगा और उसके बाद नीचे देख सकते हैं कैन यू गिव अस सम मोर डिटेल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का आप यहाँ पे हेल्प चाहते हैं, सेल्फ इंजरी है या फिर हैकेड, तो हैकेड वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना होगा। जैसे नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको डन कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दिस विल हेल्प, जो नाम है फेसबुक में, गेट बैक इन टू हिस अकाउंट। कुछ इस प्रकार से डन करेंगे तो आगे का प्रोसेस आपका हो जाएगा।
तो कुछ इस प्रकार से दो तीन अकाउंट से आपको अपना प्रोफाइल को सर्च करना होगा और फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट प्रोफाइल पर जाना होगा। अगर आप वहां पर जाकर के कुछ इस प्रकार से आप रिपोर्ट करते हैं तो फेसबुक की टीम की तरफ से दोस्तों आपको हेल्प किया जाएगा और आपका अकाउंट जो है, जो भी आपका अकाउंट को हैक करता है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये था दोस्तों कुछ तरीका जो कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक पर कौन कौन सा सिक्योरिटी दे करके रखेंगे ताकि आप हैक होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों हमारा वेबसाइट पेज है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर क्लिक कर सकते हैं या फिर गूगल में akonlinesupport.com सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा। फिर आप यहाँ से आर्टिकल पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।